स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में डीआरजी जवान शहीद। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर जारी है मुठभेड़, नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। इसके बाद नारायणपुर से बैकअप पार्टी को भी मौके के लिए रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि इंद्रावती नदी के पार स्थित अबूझमाड़ इलाके में तुलार गुफा के पास भारी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर नारायणपुर से जवानों की टीम को मौके के लिए निकाला गया था। जब जवान गुफा की तरफ पहुंचे तो यहां पहले से ही घात लगाए बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला लिया है। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान का नाम सालिक राम है, जो कांकेर जिले का रहने वाला था। जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वो नक्सलियों का कोर इलाका है। फिलहाल अंदरूनी और संवेदनशील इलाका होने की वजह से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है।